हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो कि गाजियाबाद में काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं तो आपने मतलब दिल्ली NCR में गाजियाबाद वाले एरिया में आपने ABES इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक आता है बीटेक के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ABES की प्लेसमेंट के बारे में, इनका मतलब फी स्ट्रक्चर क्या है, इनका एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एंड इवन अगर आपकी रैंकिंग कम है तो भी कैसे आपके यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो ढेर सारी बातें सारी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ABES इंजीनियरिंग कॉलेज है काफ़ी मतलब पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम मैं बात करूं तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो गाजियाबाद में लोकेटेड है, ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। एंड 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो उस साल मतलब 2000 के अकॉर्डिंग काफ़ी साल इसको हो भी चुके हैं बीटेक में अपने फील्ड में, एंड काफ़ी सारी इसकी रैंकिंग भी है, काफ़ी स्टूडेंट्स अच्छी जगह पे प्लेस भी हुए हैं। देन आगे बढ़ते हुए बात करूं उसकी एफिलिएशन के बारे में, तो देखो मतलब AKTU लखनऊ से जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलिएटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा AICTE और यहाँ पे UGC से भी इंस्टीट्यूट है वो अप्रूव्ड है, एंड इसको NAC से भी ग्रेड B का मतलब एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ के कुछ कैंपस एरिया की, तो 15.7 एकर्स में इसका जो कैंपस है वो फैला हुआ है। काफी ग्रैंड सा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने फिरने में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, लेशन ग्रीन इन्वायरमेंट है। तो यार देखो काफी मतलब आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं रैंकिंग के बारे में बात करूँ, सिर्फ बीटेक की रैंकिंग इसकी जो है रैंक 51th मतलब आउट ऑफ 300 फॉर बीटेक बाय NIRF 2022, रैंक 251th आउट ऑफ 300 बाय NIRF 2021, ठीक है, रैंक 201 फॉर बीटेक बाय NIRF 2020। तो ये इसकी कुछ बीटेक की रैंकिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, बिना मतलब ज्यादा बातें करते हुए बात करते हैं यहाँ के फी स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो 1.33 लाख पर ईयर आपके यहाँ पे फीस रहने वाली है, 4 साल का आपका बीटेक का टोटल कोर्स होता है। तो 1.33 लाख इसकी एक साल की फीस है, बट जो फर्स्ट ईयर में आपको मिसलेनियस चार्जेस एंड एडमिशन चार्जेस अलग से भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो वही आपके थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। अदरवाइज 1.33 लाख आपकी ट्यूशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आपको हॉस्टल चूज करना है तो उसकी फीस अलग होती है। देन अब मैं बात करूं यहाँ की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखो 12th में आपके 50% से वो मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं PCM में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, एंड JEE मेंस के एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। JEE मेंस का एग्जाम मस्ट है, बाकी और से इतना ज्यादा मतलब ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। JEE मेंस के एग्जाम के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होगा, एंड जो बीटेक लिटरल वाले हैं, बीटेक लिटरल करने हैं, तो उनके हर मतलब कॉलेज का जो खुद का भी इनका एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है उसके थ्रू भी आपके यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं अगर बात करूं कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है अब कट ऑफ की, भैया रैंक नहीं आई है एडमिशन कैसे होगा। तो अगर आपको यहाँ की कट ऑफ जाननी है तो आपको गेट एडमिशन को कॉल करना होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है या फिर आपके फेवरेट कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, आपकी इतनी रैंक नहीं आ रही है, तो आप गेट एडमिशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। यार जो स्क्रीन पे दिया नंबर है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे उस लिंक पे क्लिक करके आप हमें अपने व्हाट्सअप करके अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करेगा आपका एडमिशन कराने में। तो जरूर एक बार कॉल करें और अपने सारे डाउट क्लियर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि देखो प्लेसमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉलेज को चूज करने से पहले। तो इसका जो मतलब हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया है वो है 44 लाख, एंड एवरेज पैकेज यहाँ का रहता है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो 7 लाख आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ का एवरेज पैकेज मान सकते हैं, एंड देन आपको स्कॉलरशिप भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेंगी, एंड कुछ मतलब जो यूपी की जो स्टेट डोमिसाइल आपकी स्कॉलरशिप होते हैं वो भी मिलेंगी। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, आप जरूर इसको अप्रोच कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए बात करूं यहाँ की हमें मतलब कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में, कैंपस फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे लाइब्रेरी, कैंटीन, एंड यहाँ पे आपको मतलब ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, वाईफाई एनेबल कैंपस, AC क्लासरूम्स, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीटेक के लिए यहाँ के लैब्स। तो लैब्स यहाँ पे आपको बिल्कुल सही और मतलब बिल्कुल इक्विप्ड मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बीटेक में सबसे इंपॉर्टेंट लैब्स मैटर करते हैं। आई थिंक अब इस वीडियो में इतना काफी रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।